सरकार से उम्मीद ये करूँगा कि जो दस्त और जो गुंडागर्दी वाले लोग हैं ऐसे लोगों को टिकट नहीं दें। और दूसरी बात यह है कि सबसे ज़्यादा पेपर लीक और जो बेरोजगारों के साथ सबसे ज़्यादा खिलवाड़ किया जा रहा है उसको बंद किया जाना चाहिए। मैं आने वाले चुनाव में ये आशा करता हूँ जो भी हमारे विधायक चुने जाए वो हमारे शहर के पटकोटे की समस्या है, जैसे ट्रैफिक की समस्या है, आवारा पशुओं की समस्या है और बढ़ते हुए वाहन आवागमन की समस्या है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ जाती है बगैर किसी परमिशन के, उससे क्या बहुत प्रॉब्लम होती है, तो हमारे उससे आने वाले ग्राहकों को बहुत ही तकलीफ होती है। और हम ये आशा करते हैं कि मेट्रो सिटी जो बनने वाली है उसका ये जीर्णोद्धार करें और किसी भी आने वाले टूरिस्ट को, पर्यटकों को कोई भी किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। व्यापारियों की तो कोई सुनता कभी है नहीं, कोई भी सरकार आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे कोई भी सरकार आए, व्यापारी तो हमेशा शोषण ही होता है उसका। व्यापारी सारा GST कलेक्ट करता है, GST इकट्ठा करके देता है, लेकिन जो सरकारें आती हैं वो व्यापारी के ऊपर तो कोई ध्यान देती नहीं। आज बाज़ार की जो व्यवस्था है, पार्किंग की बहुत हालत ख़राब है सिटी हॉल में। दूसरा, यहाँ पे ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा समस्या है। ट्रैफिक आप देखें, ई रिक्शा बहुत ज़्यादा मिसमैनेज ट्रैफिक है, उसके बारे में भी कोई विशेष कोई ध्यान देती नहीं है सरकार। तो मेरा तो ये कहना है कि सिटी हॉल आज देखिए, कोई भी जयपुर में आता है तो वो यहीं सिटी हॉल में घूमता है, उसको मॉल से या बाहर के कॉलोनियों के मार्केट से तो मतलब नहीं है। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, सिटी हॉल को थोड़ा सा डेवलपमेंट करें, पार्किंग व्यवस्था अच्छी करें, यहाँ पे थोड़े से जितने भी और ये खमचे वाले या इंक्रोचमेंट जो होता है उनको हटाया जाए, और जिससे कि टूरिस्ट जो यहाँ आए उसके वो एक अच्छा मैसेज। मेरी आने वाली सरकार से ये उम्मीद है कि वो यूथ के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बनाए, और जो भी सिटी के अंदर ट्रैफिक रहता है और पार्किंग के जो इशूज़ हैं और जो रोड खुदे पड़े रहते हैं, एजुकेशन को लेकर जो है उन चीज़ों पर ध्यान दें। और बेसिकली जितने भी सिटी के अंदर जो लोग गरीब हैं, जिनको घर नहीं मिल रहा है, रोटी नहीं मिल रही खाने को, उन पर ध्यान दें, एजुकेशन में वर्क करें, रोड बनाने से ज़्यादा एजुकेशन पर वर्क करें तो उससे ज़्यादा देश की इकोनॉमी को फायदा होगा, रोड बनाने से किसी को कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मेरी सरकार से यही उम्मीद है आने वाली से कि वो जो भी काम करें वो यूथ के उसके फेवर में करें, जिससे यूथ के अंदर भी अवेयरनेस हो और यूथ गलत कामों से बच के अच्छे काम करें। मेरी सरकार से यही मुझे लगता है जो आने वाले विधानसभा जो सीटें मिली है इसमें कोई सी भी गवर्नमेंट आए उससे हमको कोई वो नहीं है, पर हमसे ये उम्मीद है, गवर्नमेंट से यही उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे जो गरीबों के लिए रोज़गार की जो गारंटियाँ देते हैं उनको पूरा करें। और भी कई समस्याएं हैं, पानी की, सड़कों की, वो टाइम से पूरी हो। ये नहीं कि पहले वादे करें उसके बाद अगर काम नहीं होता है तो हमारी अपेक्षाएँ सरकार से हट जाती है। और बस यही कहना चाहता हूँ कि कोई सी भी सरकार आए किसी भी विधानसभा क्षेत्र में, किसी भी तरीके का कैंडिडेट आए, उससे हमको कोई आपत्ति नहीं है, हम सबके समर्थन में हैं। हमें जिसको लाइक करना होगा मुझे वोट देंगे, और हमें तो केवल ये उम्मीद है कि महंगाई का थोड़ी रोक लगे, कोई भी सरकार आए उसमें हर तरीके की हमको सुविधाएं मिले, गारंटी योजनाएं मिले, गरीबों को लाभ मिले, बस यही मैं कहना चाहता हूँ।